नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश को संबोधित करेंगे लाल किले से, और लाल किले पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बोलेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ वो रिकॉर्ड बनाएंगे। पिछली बार 90 मिनट बोले थे, इस बार 95 मिनट बोलेंगे, 120 मिनट बोलेंगे। इस तरह से टीवी पर आपको दिखाया जाएगा। लेकिन आम जनता के जो देश के मौजूदा सवाल हैं, वो सवाल आज हम नरेंद्र मोदी से पूछते हैं, ताकि नरेंद्र मोदी जी के जो सलाहकार हैं, खुद नरेंद्र मोदी जी, वो आज रात में कम से कम ये 10 सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, और 10 सवाल ये पूरा देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इन सवालों के उत्तर जो है वो क्या नरेंद्र मोदी जी कल दे पाएंगे? वो 120 मिनट बोले, 150 मिनट बोले, 200 मिनट बोले, लेकिन कम से कम इन सवालों का उत्तर मिलना चाहिए। पहले नंबर पर आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल होंगी। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। कितनी नौकरियां आपने अभी तक दी है? कल आंकड़े के साथ में देश आपसे जानना चाहेगा, और 15 अगस्त के दिन पूरा देश जो है वो यही देखता है, और प्रधानमंत्री यही बताते हैं कि उनकी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, ये गिनवाते हैं। लेकिन कल जो सवाल हम उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। 2 करोड़ नौकरियों के वादे का प्रति साल, यानी 16 करोड़ नौकरियां, अब तक कितनी नौकरियां आप दे चुके हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। आप ये बताइए, आज महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी अगर पिछले 45-50 सालों में सबसे ज्यादा है, तो महंगाई भी रिकॉर्ड स्तर पर है। पूरी दुनिया में सबसे महंगी एलपीजी गैस हम क्यों खरीद रहे हैं? आप जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद महंगाई को आप क्यों नहीं रोक पा रहे? इस पर साफ साफ शब्दों में आप बताइएगा। तीसरी चीज, सबका साथ सबका विकास, और फिर आपने इस बार 2019 के बाद में आपने उसमें जोड़ा सबका प्रयास। पूरा देश आपके साथ में है। आप कहते हैं नोट कोरोना के समय पर दिए जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, लोग जला रहे हैं। आप कह रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव मनाइए, तिरंगा झंडा लगाइए, लगा रहे हैं। सब आपको प्रयास करके आपके साथ में खड़े हैं। एक प्रधानमंत्री के तौर पर पूरा देश जो है वो अपने प्रधानमंत्री को समर्थन कर रहा है। आप ये बताइए कि जो हिंदू मुस्लिम के, ये पहले भी था, इसमें कोई दो राय नहीं है ये, लेकिन हिंदू मुस्लिम का ये जो सबका साथ सबका विकास, आपने अपनी सरकार से सारे मुस्लिम सांसदों को क्यों बाहर कर दिया? और हिंदू मुस्लिम का जो जमीन पर हम देख रहे हैं उसको रोकने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? यह सवाल है। और उसके बाद में आपने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी, साल 2018 तक हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आज हम 4 साल आगे आ गए, उन स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? और आप स्मार्ट सिटी का जिक्र नहीं करते। और स्मार्ट सिटी के साथ साथ मैं एक चीज और आपको बता दूं, एक और हुआ था आदर्श ग्राम योजना। वो आदर्श ग्राम योजना जिसमें सांसद गांव को गोद लेते थे, कोई जिक्र करता उनका? कितने आपने स्मार्ट सिटी अभी तक बना दी है, इस बात का जवाब जो है वो देश चाहता है। अब इसके बाद में आप आगे देखिए, आपने कहा था 2022 में सबके लिए, 2022 में सबके लिए मकान होगा, सबको घर मिलेगा, सब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा। वो वीडियो भी है, मैं आपको दिखा करके आपका समय खराब नहीं करना चाह रहा, क्योंकि सीधा जो है वो सवाल जवाब होना चाहिए, कम समय में हम ज्यादा चीजें रख सकें, वो कोशिश है। तो आपने कहा था 2022 तक सबको मकान मिल जाएगा। आप बताइए कितने लोग जो है वो अभी तक आप उनको मकान दे चुके हैं, और कितने लोग बाकी हैं? आंकड़े के साथ में आप बताइए। आपने कहा 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी। अभी भी आप बताइए कि किसानों को एक साल तक यहां पर प्रोटेस्ट किया, एमएसपी के लिए प्रोटेस्ट किया, आपने जो कानून काल लेकर के आए उनको वापसी फिर आपने करवाना पड़ा, लेकिन किसानों की दुगनी आय अभी तक क्यों नहीं हो पाई है? इस पर क्या कोई आपका जवाब है? फिर उसके बाद में कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे वादे थे जिनको लेकर के लगातार लोग सवाल पूछते हैं, और वाजिब ये सवाल,
नोटबंदी आपने की 2016 में की, उस वक्त में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने देश की संसद के अंदर खड़े होकर के कहा था कि करीब 2% हमारी जीडीपी गिर जाएगी। उस वक्त में 8% जीडीपी थी, गिर करके 6 हो गई और फिर तो और गिरी। लेकिन आप बताइए, नोटबंदी से अभी तक, क्योंकि बहुत लंबा समय जो बीत चुका है 16 से और आज 2022 में हम लोग खड़े हैं, एक लंबा समय जो बीत चुका है, क्या हासिल हुआ? उसके बाद में आपने कहा था 15 लाख रुपए मिलेंगे, काला धन आएगा। आज आप बताइए, आजादी के 75 साल हम मना रहे हैं और हमारे देश के एक आम ईमानदार व्यक्ति का पैसा कोई अगर चोरी करके काले धन के रूप में अगर कहीं पर बाहर जमा करवा रहा है, तो उसको आपकी सरकार, जो आप कह रहे थे कि SIT बना करके, आपने आते ही 2014 में कहा था, अब तक वो काला धन क्यों नहीं आया है? आप देश को ये तक नहीं बता पाए कितना काला धन बाहर है, तो इस पर भी देश आपसे जवाब चाहता है। उसके बाद में अच्छे दिन जो है वो तो अच्छे अच्छों के ही आए हैं, आम आदमियों के अच्छे दिन क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आम आदमी अभी भी जो हंगर इंडेक्स है, भुखमरी में भारत क्यों लगातार पिछड़ रहा है? भुखमरी के अंदर जो है वो अच्छे दिन गरीब लोगों के क्यों नहीं आ रहे हैं? वो भुखमरी में क्यों नीचे खिसक रहे हैं? हैप्पी इंडेक्स में भारत के अंदर जो है वो लोग खुश नहीं है। दुनिया भर की अगर हम बात करते हैं तो हैप्पी इंडेक्स में हम नीचे हैं, तो वो अच्छे दिन क्यों नहीं आ रहे हैं? हम खुश क्यों नहीं हो पा रहे? देश के आम लोग खुश क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अच्छे अच्छे लोग जो है, जो आपके बड़े बड़े उद्योगपतियों की जो बात आप पर आरोप लगातार लगता है, उन्हीं के अच्छे दिन की बात जो है क्यों होती है? अंबानी अडानी का जो है वो अच्छे दिन की बात होती है, वो अडानी अंबानी से भी ऊपर जा रहे हैं, उनके इतने अच्छे दिन चल रहे हैं, लेकिन हम एक देश का आम व्यक्ति वो लगातार भुखमरी और हैप्पी इंडेक्स में लगातार देश जो है फिसल रहा है। उसके बाद में आपने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये आपने कहा था। आप ये बताइए कि भ्रष्टाचार के अंदर आज देश में मौजूदा समय में आप नमामि गंगे के बारे में कोई बात नहीं करता है कि नमामि गंगे में आपने पैसा लगाया और नमामि गंगे में आपने लक्ष्य रखा, बार बार उस लक्ष्य को बढ़ाते रहे। आपने पहले कहा 2018 तक होगी, फिर उसका समय जो है वो और बढ़ा दिया, वो आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद में आप ये बताइए कि नौकरियों की हालत जो है, अभी हमने आपको दिखाया था 59,000 SSC के जो छात्र हैं उनका मेडिकल रिटर्न सब कुछ हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद उनको भर्ती नहीं मिल पाई। तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उत्तर प्रदेश तो जो डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, वहां पर तो रिकॉर्ड है कि हर पेपर लीक हो रहा है, लीकेज की सरकार। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को उपमा दी जा रही, वो आपकी ही सरकार है, आप ही वहां से सांसद चुन करके आते हैं। तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वो कहां पर है? तो इस सीधे तौर पर जो है वो आपके ऊपर आरोप है। अब उसके बाद में आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश जवाब चाहता है कि आपने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं, एक सेवक के रूप में जो है वो बनाइए, फिर उसके बाद में आपने अपने आप को चौकीदार जो है 2019 में बना लिया। चीन के ऊपर जो है, क्या आप देश को स्पष्टता के साथ में बता पाएंगे? क्योंकि चीन को लेकर के लगातार खबरें आती हैं अरुणाचल से, चीन को लेकर के लगातार खबरें आती है लद्दाख से, चीन को लेकर के लगातार खबरें आती है कि सिक्किम से, जहां पर जो है वो आप देखते हैं कि सिक्किम में एक हिस्सा है जहां पर चिकन नेक के पास में, कि वहां पर गलवान घाटी में, वहां पर भी चीन जो है वो अपनी दबिश बढ़ा रहा है, चीन अपने गांव बसा रहा है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं वो ऐसे मुद्दे हैं कि देश जवाब चाहता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वाकई इन पर बोलेंगे। और देश पूरा का पूरा, ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं, हर किसी के दिल में सवाल है। इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके सलाहकार, वो देर रात, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी पूरी रात बाकी है, सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 7:30 बजे बोलना है। देश जवाब जरूर चाहता है, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, नौकरियों पर, काले धन पर, अच्छे दिन पर, ये जवाब जो है वो देश को जरूर मिलना चाहिए। तो बहरहाल, अगर आपको लगता है कि जो सवाल हमने उठाए हैं और वही सवाल आपके भी हैं नरेंद्र मोदी से, और आप भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी उन सवालों के ऊपर जवाब दे, तो इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए ताकि लोग भी अपने आप को इस खबर के साथ में जोड़ सके।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।